भाई जी ने रख ले यार, ये लो फोटो फोटो करवा लो। मैं कहता हूँ बस भी रहता है। आपने जन्म दिया था एक कछुआ है अभी इसमें, ठीक है। मैंने उसको पाला पोसा है, छोटा सा इतना सा था, अभी इतना बड़ा हो रहा है किलो के हिसाब से, अभी दिखाई नहीं दे रहा। पानी के अंदर आ गया था गाइस, एक्चुअल में ये तो क्या लाने वाले थे, पानी के अंदर आ गया था, तो बस ऐसे होते ही है, आपको पता ही है। मौसम काफी अच्छा है, सुबह सुबह तो हम एक बार हिम्मत हार गए थे, पर हौसला देने पर हमने देखो एक दूसरे को किसी को बताया नहीं भाई, नहीं होने वाला। मैं अलग से सभी मन में सोच रहे थे, गुस्से में आ रहा था, ठीक है। ये क्या है इसके अंदर, ये खुद मेंढकों को तैर के दिखाते हैं, ये देखो अभी फुदक रहे हैं, ये देखो मेंढकों को खुद तैर के दिखाते हैं ये। फिर मैं स्टिकी के पास में नहीं जाता, स्विमिंग सीखते हैं, कछुए को फीड डालने के लिए जाता हूँ, स्विमिंग सीखते हैं। अपने पंजाब में पहली बार जो खेती हो रही है, मेंढक की खेती पहली बार भाई साहब ने शुरू की है इन्होंने। हाँ, फर्स्ट है। और क्या रेट देते हैं पंजाब में, कोई मतलब अभी तक किसी को पता भी नहीं इसका मीट बनता है। चाइना के बाद सेकंड जो खेती हुई है नरेंद्र के खेत में हुई है मेंढक की खेती, कितने रुपए किलो देते हैं? इन्होंने सब्जी बनाई है, देखते हैं कैसी बनेगी, अब आपको दिखाता हूँ इधर। कितने रुपए किलो देते हैं उसके पास? एक्सपोर्ट कहाँ तक है भैया, एक्सपोर्ट कहाँ तक है इसकी मंडी अभी तक, मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने पैसा बख्शे किसी भी तरह से बख्शे मेरे को। आप भी तो खुद के इसके दोस्त हैं भाई साहब। बच्चे कहाँ से लेके आते हैं अभी भाई साहब? ये मेंढक के बच्चे कितने आते हैं, फार्मर के प्रोडक्शन कहाँ से? ये भाई साहब ये पानी के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है, जैसे खाल में से नेचुरल खाल में से पानी आता है उसमें मेंढक आ जाते हैं। ये अलग से वैरायटी है, आ तो जाते हैं पर ये खा जाते हैं। नहीं भाई साहब जैसे आप आए थे पानी के अंदर जैसे खा जाते हैं? नहीं, एक बार आ जाते हैं उसके बाद भी इधर ही फंस जाते हैं। फिर क्या करते हैं, देखने के लिए इनको अच्छी फीड दे रहे हैं। ये इतने पापी, आपने मेंढक छोटे देखे होंगे, इतने बड़े देखे होंगे, बट 1.5 किलो का मेंढक इन्होंने पिछली बार बनवाया था, यहीं पे बनाया था, आज भी बढ़ रहा है। 1.5 किलो का मेंढक बनाया था इन्होंने, आज भी बढ़ रहा है, लाइव आप देख रहे हैं। अभी जो इनकी फाजिलका में अभी जा रहा है सप्लाई फाजिलका में। हाँ, तो फाजिलका के लोग खाते हैं पंजाब में? हाँ, वो भाई साहब को पता है। आप ये बताओ, आप बताओ सर, खाते हैं? नहीं जी, मेरे को नहीं, आज तक मैंने बेचा ही नहीं। ऐसी झूठ बोल रहे हैं, ये गपिस्तान रेडियो चल रही है, ये गपिस्तान रेडियो, वो पहले रेडियो चलता था, ये आजकल वीडियो बना के गपिस्तान रेडियो चलाते हैं भाई साहब। जो भी है, चलो हंसी मजाक चल रही है। मेंढक की जो अपने खाते हैं ना, जो उसके अंदर ऑयल ज्यादा होता है, जो कहते हैं फिश ऑयल, वो सबसे ज्यादा फिश ऑयल इनके मेंढक के पास ज्यादा होता है, जो कहते हैं घोड़ों का दर्द ठीक होता है। घोड़ों का दर्द, घोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, घुटने का दर्द, घुटने का दर्द। तो भाई जी इतना सीरियस मत लेना, हम लोग है बागड़ी, पहले ही बता चुके हैं आपने, लोग देखे नहीं होंगे सारे। तो इनको ना तो बेरा होता है और ना इनको ठा होता है, ना बेरा ना पट्टा। पिछली बार 3 पसलियां टूटी थी, लेकिन अभी मेंढक खाने की वजह से ठीक है। अभी देख सकते हो आप, कूद के दिखाओ भाई। अभी देखो मैं देखो अट्टा कट्टा हूँ अंदर है भाजी के, अभी खुली छोड़ रही है भाई साहब पूरा, मतलब क्या क्या अपने जी थाई एप्पल बेर लगा हुआ है, थाई एप्पल बेर जिसको बोलते हैं, थाई बेरिया लाके दिखाना, थाई बेरिया कौन एप्पल बेर होता है, और गुआवा भी लगे हुए हैं, गुआवा जिसको अपन थाई एप्पल टेस्ट कैसे है, लेते हैं अच्छे हैं ना, टेस्ट आएंगे। और और आम के पौधे भी लगाए हुए हैं, आम अपन लेके आए, ऐसी मनी माजरा चंडीगढ़ से लेके आए थे आम के पौधे, जो मैंने बाउंड्री में जो रोड पे लगे रहते हैं अपने, हाँ जो वो वाले नहीं, ये स्पेशली है बड़े वाले। व्हाइट जामुन भी लगा हुआ है, व्हाइट जामुन, हाँ जी व्हाइट जामुन भी लगा हुआ है, व्हाइट जामुन के पौधे जिस बड़े होंगे व्हाइट जामुन लगेंगे उनके। नहीं यार यार लगाए हैं, बाहर से लेके आए, व्हाइट जामुन साइबेरिया की पे। ब्रदर आ जाओ, अमरूद खा लो, नहीं एक बात माननी पड़ेगी, जो उधर ब्रह्म प्रकाश है ना बीपी ब्रदर, वो भी इन चीजों के शौकीन है, उनके चिक्कू का बुट्टा है घर में, आपको दिखाऊंगा इनकी आंगनवाड़ी,
और साल में दो तीन बार आम लगते हैं। आम का भुट्टा है, अमरूद का भुट्टा है, देसी पालक है जो जिसमें आयरन बहुत ज्यादा है, ये भी बाहर से लेके आए थे हम, वो तो हम ही लेके आए थे। और मसाले जितने भी हैं इसमें तो नहीं है वो, फूल बने काट के देना। डिजाइन देख, ये फूल देख, डिजाइन देख। आज ठंडा वगैरह ले आए, पिज्जा दिखाते हैं आपको, पिज्जा बन गया। नीचे पूरा हो गया वो, बैक हो गया वो नीचे। हाँ चेक करके देखा इन्होंने नाइफ से, थे पर ना करो तो ही थोड़ी सी मांग घेरोगा थे इन्हें ना के कोई नहीं बित्तो काट लेंगे समझ लेंगे उठ के अंदर चले लेंगे खा देंगे बचुन्नी बजिया भाई आंच लाग जी गिनो तो थोड़ा बकड़ा चुन्नी सी बात तरस गई है पिज्जा देखने को सो भर भर के पी हमारे सो पिज्जे के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, थोड़े थोड़े पेट अपने अंदर कर लो, थोड़े थोड़े वीडियो बन ले दो, आप राखड़ा गेर गेर के खाओगे मान दो। लियो वो कपड़ो लियो और सागर लागू पिज्जा दिखाएंगे आपको, मजा आ जाएगा और हल्ला हु करना है। हाँ निकल उतार लियो ये बाप की निकर उतार रही है। निकर में 1600 की निकर, एक मिनट रुक जाते हैं गाइस, ये चक्की ला रहा है, एक मिनट रुको रुको रुको, पिज्जा उबाल मार गया है, उन्हें चकली रख दो। चलो ओ गाइस सो भर भर के पिज्जा, ये बड़ा वाला पिज्जा, इसको उठा के लाओ इधर साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। अरे वो नहीं, वो नहीं, अरे यार अच्छा कपड़ा ले आ यार, इन्हें फेंक पर वो सबको ला यार, बिगाड़ो बीपी लो सबको देख रहे हैं, चक्कू ले यार, बीपी सबको देख रहे यार, साइड कराओ इसको। ओ यार कच्चो को नहीं है, देख ले वो हम हमारी बनाने बस रखांगड़ा। चलो अंदर बाहर कटर सूखेंगे। सो गाइस इतना बड़ा पिज्जा कम से कम 3.5 फीट का है, ये ऊपर करो तो हमने बना के रेडी कर दिया, ऊपर पीछे हो जाओ, बना के हमने रेडी कर दिया, मीडिया वाले आ गए हमारे पास, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। सो भाई जी PB15 स्टूडियो, पिज्जा स्टूडियो, अब और जो ब्रदर हमारे पास आए थे, हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा, बारिश आई बहुत, देखो अड़चने तो आती है ना काम में। अभी फाइनली तो, एक बार पीस उठा के देखते हैं कटिंग, फाइनली कटिंग करने के बाद एक बार पीस उठा के बैठे, नहीं फोटो नहीं करनी है आपने, कटिंग ये काट लें ताकि चक के देखा भाई। हाँ। उठा के देखेंगे ब्रदर, बीच में ये खाते हैं ना, एक रुक जाओ तुरमी तू ना कर तू रुकिया मुगयो, चलो साइड में से निकालो यहां से यार, कटर फूल तो कटर भाई के छोटा, अरे यार ये लो फोटो फोटो करवा लो, मैं कहता हूं बस मैं जबरदस्त है यार, केचप निकालो एक मिनट को दे केचप। सो कोटिंग बस बस बस, सो ब्रदर सबका सहमति से सबसे प्यार से ये चीजें बनी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये ब्रदर इधर मुंह करो, पहले आपको टेस्ट कराएंगे, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका मिशन जो सक्सेसफुल रहा है, यस। सो बड़ी खुशी हुई है, कैसा लगा, कैसा बहुत मस्त थी तो यम्मी, ये लिए लो आपको, मैं इनके हाथ ही पकड़ा दो आप आओ नरेंद्र आप भी आ जाना, इसको पकड़ाओ, डबल रोटी ना खाओ, ये भी खाओ भाई, बहुत बढ़िया हमने सही है, कोई नहीं कोई नहीं, देख रही है सुपर है भाई जी, बेस बढ़िया, बेस नहीं धारो वाकई पूरा है,
जबरदस्त मुने भाई। रोमी का होने का घटा बेस है रोमी। अब बता अब दा अब बात सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा ये एक हार्ट शेप बोले नहीं जबरदस्त मुने दिखाओ भाई साहब सही बैक हो बैक बहुत बढ़िया है मिच्चू बहुत हां मिच्चू बहुत बढ़िया है ले रोमी ने बड़ा दे हां ले भाई जी बहुत बढ़िया है हेलो स्टफिंग बहुत बढ़िया है एक मसाला फ्राइज बनाया बस आऊं निंदर पकड़ भाई 15 मिनट लगे अब तो कोई ऐड हो जाए ठीक है फोटोग्राफ ना पीजे की फोटो करी सारे की थे तो करी तो मैं तो करी थी सारा कर तो ली वीडियो ऑफ करके भाई। सो गाइस पिज्जा ये देखो इतना बड़ा पिज्जा बनाया था कोल्ड ड्रिंक भी ले लो यार ठीक है भाई जी बहुत अच्छा कैसा लगा अच्छा ताड़ू बढ़ गए भाई और गेंद और बेद गेरे चिल्ली फ्लेक्स के फायदे है और गेंदों को है मेन तो मैं सुन के कॉल कर लाग रिया कॉल कर लाग रिया और गेंदों आ गए ऐ इन नहीं हो है ठंड में क्यों नहीं और गेंदों आ गए थे कम मैंने सारू की लाल मिर्च लाग रहा खा लियो चलेंगे वो काम सही है वो वीडियो बनाए वो देख बाल्टी लेगा मेरे लुगाई भी गाल दे के लो ये आ गया भाई मेरे जो कि आम नहीं समझ को नहीं आया आगे ब्लॉग बना लिया मेरा नाम मारो ब्लॉग नाम बना दिया हेलो खा के आ गए गलत कर जो काम यार एक आला पाट बैठ जा सो गाइस पिज्जा हमने तो एंजॉय कर लिया भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सो अभी जा रहे हैं हम PB15 स्टूडियो जहाँ से हमने शुरुआत की थी जानी है क्या करना है नहीं लेके जानी है आप घर पे लेके जाओ ये नहीं लेके जानी चिल्ली फ्लेक्स तो सही है अदरक तो दियो है। सो गाइस बोर पहुंच गए हम PB15 स्टूडियो में पिज्जा स्टूडियो भूल जाता हूं जितनी बार तो कटा सी इतो तो मैं भी गोनी में सांस ले दूं पिज्जा यार आप पिज्जा कहां गए आप पिज्जा भाई बकवारा हो गया उसका ओथे आ जा गुरुद्वारे को मैं सो ये है पिज्जा स्टूडियो आपको अर्ली मॉर्निंग भी दिखाया था ये गंगानगर चुंगी फाइल का चुंगी पर है पुरानी फाइल का रोड से आप जब टर्न करोगे ऐसे टर्न करते ही ये फर्स्ट चौक है बॉक्सिंग पॉइंट है सामने बिल्कुल दिखाएंगे जिम 5 मिनट रुकेंगे और ये पिज्जा स्टूडियो के बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे एक रोड बोर्ड लग जाएगा रोड साइड और ये बिल्कुल सामने सो ये है पिज्जा स्टूडियो पिज्जा के छोटे छोटे पीस कर ले और मैं पिज्जा बांटना है छोटा करे हाँ पिज्जा बांट ठीक है नहीं यार नहीं जरूरी है तो वीडियो पकड़ ले 2 मिनट सारे बच्चे दे दो सारे बच्चे बच्चे सिर्फ बच्चे 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 आओ खाने के लिए है कुछ लाइन बना लो लाइन ओ पिज्जा देखा मैं लाइन बनाओगे तो सभी को दूंगा सिर्फ बच्चों को देना है पिज्जा कभी बच्चे ही है सभी को आराम से लेगा तभी पाएगा चल लाइन बनवा इनकी लाइन हाथ नहीं करना नीचे पे मारना भाई जी इन्हें रख ले लन बना ले माया बा चल कर जा बाहर लन बना
बस अब हट जा जो जो यहाँ पे बैठे हैं ना उनको दे दो भैया। रोमी बारी चढ़ ले गुरुद्वारे को जा।